लेडीज़ एंड जेंटलमैन आपको वेलकम कहता हूँ आई फेक्ट के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड्स टैन टेन टन टोन ट्यून टेम और टेन के मीनिंग को उर्दू और हिंदी में समझेंगे इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे हिंदी और उर्दू में आखिर में होगा एक छोटा सा टेस्ट इसलिए आपने ग़ौर से सुनना है तो शुरू करते हैं अपना आज का आई का लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहला वर्ड है टैन टैन जो है वो पीले और भूरा रंग को जब मिलाया जाता है तो उस रंग को कहा जाता है और जब कोई आ, वाइट स्किन वाला मतलब जिस जो इसका रंग गोरा हो वो धूप में बैठे कुछ देर तो उसकी स्किन जो होती है वो येलोइश ब्राउनिश सी हो जाती है तो उस कलर को बेसिकली टैन कहा जाता है तो पीला और भूरा रंग को तो टैन कहा जाता है जिससे हम कह सकते हैं कि हाउ डिड यू टैन योर स्किन आपका कोई दोस्त है जिसका कलर बहुत ज़्यादा वाइट है तो आपने उसे देखा तो उसका कलर थोड़ा सा येलोश ब्राउन हुआ हुआ था तो आपने पूछा कि तुमने अपनी स्किन को टैन किस तरह किया हाउ डिड यू टैन योर स्किन दूसरा वर्ड जो है आज का वो है टेन टेन का हमें पता है कि मीनिंग होता है दस जिसका हम कह सकते हैं आई नीड टेन पेंस कि मुझे दस पेंस की जरूरत है आई नीड टेन pens. दोस्तों आज का जो तीसरा वर्ड है वो है टन टन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है जिस तरह किलो होता है पाउंड होता है तो तकरीबन दो हज़ार पाउंडस जो हैं वो एक टन बनता है यानी कि तकरीबन 907 किलोग्राम जो होता है वो एक टन के इक्वल होता है तो यहां पे हम कहते हैं कि वी विल एक्सपोर्ट टेन टन ऑफ राइस कि हम दस टन चावल जो हैं वो बाहर भेजेंगे वी विल एक्सपोर्ट टेन टन ऑफ राइस नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों टोन टोन के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं जिस तरह बोलने के लहजे को भी टोन कहते हैं इसी तरह कलर्स के भी टोन्स होते हैं जिस तरह स्किन टोन्स होते हैं कोई ब्राउन कलर का होता है, को है कोई वाइट कलर का होता है कोई ग्रे कलर का होता है जो आप बाल वगैरह काले करते हैं पीले करते हैं लाल करते हैं तो वो भी कलर टोन्स कहलाते हैं तो टोन का यहाँ पे हम ले, ले लेते हैं बोलने का लहजा तो अगर कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा हो तो आप कह सकते हैं चेक योर टोन कि भाई अपने बोलने का तरीका चेक करो ज़रा ठहरो चेक योर टोन फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है ट्यून ट्यून धुन को कहा जाता है जिस आप कोई गिटार से धुन निकालते हैं या रेडियो पे आप जिस एफ एम वन हंड्रेड को ट्यून करते हैं उसको भी ट्यून करना कहते हैं रेडियो पर स्टेशन लगाना उसको ट्यून करना जैसा हम कह सकते हैं यहाँ पे ट्यून को यूज़ करते हुए के द ट्यून इज़ मेलोडियस के धुन जो है बहुत ही मतलब मेलोडियस है उसमें वो भरा हुआ है मेलेडियस मेलोडियस के उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा धुन है बड़ी अच्छी है कानों को बहुत अच्छी लगती है सुनने में मेलोडी से भरपूर है मेलोडियस फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है टेम टेम सुधारने को कहते हैं सुधाया हुआ जिस तरह जंगली जानवरों को सुधाया जाते हैं तो उन्हें टेम्ड एनिमल्स कहेंगे द डोंट बी अफ्रेड जिस तरह मैं कहता हूँ डोंट बी अफ्रेड द लाइन इज टेम्ड क्योंकि डरने की जरूरत नहीं है शेर सुधाया हुआ है डोंट बी अ फ्रेड द लाइन इज़ टेंड फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है टें टी एन ई टें ट जो है दाग को कहा जाता है और जिस तरह टें टेंट कह होते हैं क्लोथ्स हो जाते हैं या कोई दाग लग जाता है तो उसको हम कहते हैं टेंट टेंड हो गया है या टेंट हो गया है और टेन के स्पेलिंग है टी ए आई एन टेन ठीक है जी टी ए आई एन टेन और ये दाग को कहा जाता है और इसी से निकला है टेंटेड तो ज़्यादा कॉमन जो वर्ड है वो टेंटेड है जिस आपने कोई गाड़ी ली तो उसके ऊपर स्क्रैच लगे हुए हैं तो आप कहेंगे यार द कार इज टेंटेड द कार इज टेंटेड के उसके ऊपर दाग लगे हुए हैं स्क्रैचेस लगे हुए हैं तो दोस्तों अब टाइम हुआ है एक छोटी सी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज के तौर पे आपने आज जो हमने ये आ, वर्ड सीखे हैं जिनमें है टेन टेन टोन टोन ट्यून टेम और टेन इनमें से दो वर्ड्स को उठाना है और इंग्लिश में दो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें नीचे देकर कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उन सेंटेंसेस में कोई गलती तो नहीं अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्वेश्चन और कमेंट्स के लिए नीचे देकर कॉमेंट बॉक्स को यूज़ करें मैं हूँ आई फैक्टनर मिलूंगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में एंटिल देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप एंजॉइंग गुड डे लाइक शेयर सब्सक्राइब आई फैक्टनर